दिल्ली के लिए परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले कि इलेक्शन की परीक्षा दे, उससे पहले पॉल्यूशन की परीक्षा दे रही है। और परीक्षा में हम पास हो रहे हैं या फेल, अभी तक तो हालात बहुत गंभीर हैं। इलेक्शन तो बाद में सामने आएंगे, पॉल्यूशन का एग्जाम पहले सामने आ गया है। हम आशुतोष जी से बात कर रहे हैं। सर, ये दो दो इम्तहान एक साथ हैं, पहले पॉल्यूशन का फिर इलेक्शन का, इन्हें कैसे फेस करें? दिल्ली का मैं तो ये कहूँगा कि सरकारों का निकम्मापन है कि जिस पोल्यूशन, हर आदमी को मालूम है, दिल्ली के अंदर हर सरकार को मालूम है कि नवंबर दिसंबर के महीने में ये दिक्कतें आती हैं, इसकी वजह से कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब नवंबर का महीना आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और साल भर शांत रहते हैं, तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक चुनाव का मौसम है तो इस देश के अंदर तो मुझे लगता है कि हर दो महीने बाद चुनाव ही होते रहते हैं, तो वो स्थिति है। मोदी जी ने तो कहा था कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो मुझे तो लग रहा था कि ये चारों राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। अब झारखंड के 5 राउंड में हो रहे हैं, उसके बाद फिर दिल्ली का चुनाव होगा, तो अब कहाँ गया एक राज्य एक देश और एक चुनाव। तो इसमें मोदी जी की इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जो हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद जो हम चुनाव में जाते हैं, उसका कोई एक तो रास्ता निकलना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत राय है। दूसरा मुझे ये लगता है कि एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए ताकि जो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाए वो फिर 5 साल अपना काम करके दिखाए, 5 साल बाद उसकी परीक्षा हो। ये नहीं कि पता चला बीच में सरकार गिर गई या 15 दिन के लिए सरकार बनी, फिर एक सरकार बनी, फिर दूसरी सरकार बनी, फिर तीसरी, जैसे कर्नाटक के अंदर हुआ। वैसा नहीं होना चाहिए, उससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, लोगों के अंदर जो है वो अविश्वास भी बढ़ता है और लोग थोड़े डेस्परेट भी होते हैं। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि निर्दलीय विधायकों की धनतेरस थी, हर तीसरे महीने वो धनतेरस आ जाती है, बिल्कुल 5 साल में एक बार होनी चाहिए। नहीं, मतलब आप चुने तो उनकी जिम्मेदारी हो ना, 5 साल बाद आप जनता उनसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या काम किया है, या सरकार जो उसको चुने उसके लिए बोले कि क्या काम है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ की 5 साल में 1 बार चुनाव हो। और लेकिन यहाँ तो 5 साल वाले भी ये कहते हैं हमें करने नहीं दे रहे। देखिए जी, जिसको करना होता है वो काम करके निकल जाता है, और जिसको बहाने करने होते हैं वो बहाने करता रहता है। मैं कहता हूँ अगर मुझे आपसे काम करना है तो या तो मैं आपको डरा के काम कर लूँ, या बोलूँ भाई संजय जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा एक काम कर दो। ये भी एक तरीका होता है काम करने का। तो आप आंखें भी दिखाओगे, झगड़े भी करोगे, गाली गलौज भी करोगे, और उसको बोलोगे मुझे काम नहीं करने देंगे। तो अगर आप मान लीजिए अगर मैं आपको गाली गलौज करूँगा तो आप मेरा काम करोगे? नहीं करोगे। जनता को तो इससे मतलब है, उसका काम हो रहा या नहीं हो रहा, उसको इससे मतलब नहीं मुझे काम करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। जनता ही हमेशा मुश्किल में रहती है, चाहे वो पॉल्यूशन का एग्जाम हो या इलेक्शन का एग्जाम हो, दोनों में। वो इसलिए होती है क्योंकि जनता जो है कभी कभी गलत लोगों को चुन लेती है। अगर वो सही लोगों को चुने और जो लोग उसके अपेक्षाओं के हिसाब से या उसकी उम्मीदों के हिसाब से काम ना करें, अगर उनको वो परमानेंटली सजा देना शुरू कर दे तो लोग फिर 5 साल काम करेंगे। अभी ये भी बात आई कि बीजेपी ने एक सर्कुलर के हवाले से बताया कि 31 मार्च तक 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। सरकार ये कह रही है कि हमने बजट एलोकेट किया है, अगले बार फिर जब जिसकी भी सरकार आएगी वो अगली बार बजट एलोकेट करेगी, तो इसको लेकर भी तमाशा खड़ा हो गया। देखिए, ये तमाशे तो खड़े होंगे क्योंकि अब चुनाव आने का मौका है, तो अरविंद केजरीवाल उनकी टीम कहेगी देखो हमने तो बिजली 5 साल आपको मुफ्त में दे दी, तो बीजेपी क्यों ये कबूल करेगी कि भाई नहीं उनको मुफ्त में बिजली मिल गई, तो वो कोई ना कोई अड़ंगा लगाएंगे। मेरा कहना ये है कि भाई जो काम हो, चाहे वो बीजेपी काम करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, अगर अच्छा काम हो रहा है तो जनता समझ जाती है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं उनके लिए काम कर रहा है, और कौन बहानेबाजी कर रहा है। यानी अब दिल्ली की तरह ही सारे लोगों को लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें उघड़ना ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 4.5 साल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी को बिल्कुल। और दिल्ली के अंदर तो बड़ा अद्भुत मामला है ना, आप देखिए दिल्ली में केंद्र की भी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर उसके नीचे बीजेपी की सरकार है। तो अगर तीनों सरकारें मिलकर काम करें तो आप देखिए दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी हो जाएगी। लेकिन एमसीडी वाला जो है असेंबली राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, और केंद्र सरकार जो इनसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन का भाव और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश है, इसका नतीजा ये है कि दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं। यानी दिल्ली का जो संगीत है वो हारमोनी की तरह नहीं है, वो एक तरह का शब्दों का शोर है। हर कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहा है, और यही वजह है कि दिल्ली वालों को न कुछ समझ में आ रहा, न कुछ सुनाई पड़ रहा। सुनाई तो पड़ता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। दिल्ली इसीलिए कन्फ्यूज्ड है, और पिछले 5 सालों से इस कन्फ्यूजन का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये पॉल्यूशन, ये कन्फ्यूजन, ये इलेक्शन, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं और दिल्ली की समझ में कुछ नहीं बढ़ रहा। और संजय, दिल्ली वालों का हो रहा है एग्जामिनेशन,
दिल्ली वालों का एग्जामिनेशन और इस कंफ्यूजन में एग्जामिनेशन कैसे दे दिल्ली, ये दिल्ली वालों को तय करना है। क्योंकि 4.5 साल न किसी ने कुछ बोला, न सरकार को कोई फिक्र थी, न विपक्ष को। अब अचानक सबको लगने लग गया है कि एग्जाम सामने आ रहा है, कौन सी कुंजिका पढ़ लें, कौन सा ऐसा गेस्ट पेपर पढ़ लें जिससे कि सारे सवालों के हल हम ही कर लें।